लोदी डायनेस्टी, इट वॉज फाउंडेड बाई बहलोल लोदी. द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी वॉज बहलोल लोदी. एंड इन दिस रिगार्ड यू हैव टू रिमेंबर दैट लोदी डायनेस्टी इज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया. इट वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट. दूसरी अफगान डायनेस्टी बनेगी शेरशाह सूरी के अंडर में, जो मुगल पीरियड में बीच में इंटरवल है 15 इयर्स का, उस दौरान सेकंड अफगान डायनेस्टी बनेगी. बट द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी वॉज द लोदी डायनेस्टी एंड इट वॉज फाउंडेड बाई बहलोल लोदी. नाउ दीज लोदीज, ऑल्दो दे रूल फॉर अराउंड फ्रॉम 1451 टू 1526, बट कुछ मेजर ऐसा कुछ खास लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाए ये, जिनके लिए हमको इनको याद करें. जस्ट फ्यू एस्पेक्ट्स इफ यू कैन रिमेंबर. सन ऑफ बहलोल लोदी निजाम खान, हु रूल्ड विद द टाइटल ऑफ सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी, हिज नेम वॉज निजाम खान. इससे रिलेटेड एक एस्पेक्ट एग्जाम में अक्सर आता है एंड दैट इज रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा. ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. ही फाउंडेड आगरा शहर बना रहा है और कैपिटल जो है शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट जो है पॉइंट. देखिए, मैंने फिरोज शाह तुगलक के कंटेक्स्ट में आपको कुछ शहर बताया, तो उसमें से जौनपुर आप याद रखिए. जौनपुर एक किंगडम भी बनता है शर्की रूलर्स के अंडर में, उससे रिलेटेड मैं कुछ नोट्स आपको दूंगा. तो जौनपुर रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए. दैट वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक. और यहां पे फिर सिकंदर लोदी है, इसको आप याद रखेंगे आगरा के कंटेक्स्ट में. ठीक है. नाउ सिकंदर लोदी वाज आल्सो ए गुड पोएट. ही वाज अ गुड पोएट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज. ही वाज अ गुड पोएट ऑफ पर्शियन. और इसका पेन नेम गुलरुखी. ये किस नाम से पोएट्री करता था? गुलरुखी के नाम से. पेन नेम इसका क्या था? गुलरुखी. ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है. और इसके अलावा यू नो ही इंट्रोड्यूस गजे सिकंदरी, एक मेजरमेंट है. गजे सिकंदरी लैंड मेजरमेंट में यूज होता था, बट दैट्स नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम. और नाम से ही पता चल रहा है कि गजे सिकंदरी, जैसे अभी हम मीटर, बिस्सा, बीघा, ये सारी चीजें यूज करते हैं ना मेजरमेंट के लिए, तो गजे सिकंदरी. गजे सिकंदरी में 32 इंच का होता था. एक गजे सिकंदरी 32 इंच का होता था, बट एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है. साइड नोट में मैंने बस आपको बता दिया. ठीक है, दो एस्पेक्ट याद रखिएगा. एक आगरा का फाउंडेशन कर रहा है ना, और कैपिटल शिफ्ट हो रहा है कहां से? दिल्ली से आगरा. ठीक है, तो आप देखिए तीन कैपिटल्स हो गए. आप शुरू से याद करिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही है, लाहौर, लाहौर से दिल्ली, अब दिल्ली से कहां जा रहा है कैपिटल? आगरा जा रहा है. ठीक है, तो पूरे सल्तनत के दौरान ये तीन कैपिटल्स जो हैं आप अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए याद रखिएगा. एंड रिगार्डिंग हिज पेन नेम, तखल्लुस कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल गालिब. गालिब वॉज नॉट द नेम ऑफ द पोएट, वो उसका पेन नेम था, है ना. असदुल्ला खान था उसका नाम. उसी तरीके से सिकंदर लोदी किस नाम से पोएट्री करता था? गुलरुख के नाम से, गुलरुखी. ठीक है, एंड नाउ दिल्ली में फेमस लोदी गार्डन्स हैं, है ना. तो लोदी गार्डन्स में ही इसको दफनाया गया है. ही वॉज बरीड एट लोदी गार्डन्स आफ्टर हिज डेथ. ठीक
ठीक है, तो इसकी डेथ 1517 में हो रही है, ईयर रेलिवेंट नहीं है, एंड ही वॉज बरीड एट लोदी गार्डन्स, बरीड एट लोदी गार्डन्स एट दिल्ली। काफी फेमस गार्डन है दिल्ली का, तो वहीं पे इसकी कब्र है, राइट। और लोदी डायनेस्टी का थर्ड रूलर, ही इज थर्ड एंड द लास्ट इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी से उसको दिखाना भी क्या कह रहे हैं अदीप, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर, वास्को डिगामा भी तो आए हैं सर सिकंदर लोडी के टाइम। वास्को डिगामा आया सिकंदर लोदी के टाइम। हाँ, तो वो जब हम यूरोपियंस को पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ना, वास्को डगामा 1498 में आ रहे हैं। ही इज राइट, ये सही कह रहा है, बस गलत जगह पे कह रहा है। मैं जब अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ाऊंगा ना आपको, मॉडर्न की जब शुरुआत करूंगा तो वहां पे इसका मैं जिक्र करूंगा, ठीक है। मिक्सअप मत करिएगा आप चीजों को, ठीक है। चलिए, तो तीन रूलर्स हैं देखिए लोदी डायनेस्टी में, है सिकंदर लोदी उसका बेटा, उसका बेटा इब्राहिम लोदी। लोदी ही इज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। एक तो लोदी डायनेस्टी का भी लास्ट रूलर है, दूसरा दिल्ली सल्तनत का भी लास्ट रूलर है, दिल्ली सल्तनत का भी लास्ट रूलर है। तो क्वेश्चन कैसे भी आने दीजिए, आपका आंसर क्या होगा, इब्राहिम लोदी ही इज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसको आप जहन में रखिएगा। और इब्राहिम लोदी का एंड कहां पे हो रहा है, मींस लास्ट रूलर कैसे ये बन रहा है, बिकॉज देर वॉज ए बैटल, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये आप याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए, 1526 में हो रहा है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इट टुक प्लेस इन द ईयर 1526 एंड इट वॉज बिटवीन द फोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। एंड इन दिस बैटल, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी मारा जाता है और यू नो हिज आर्मी वॉज डिफीटेड एंड बाबर विल ओवरटेक द रेन्स ऑफ इंडियन एम्पायर, है ना। मुगल एम्पायर की शुरुआत यहां से हो रही है। और इसकी डेथ के बाद इसको पानीपत में ही दफनाया गया, इसकी कब्र कहां है, ही वॉज बरीड एट पानीपत, ही वॉज बरीड एट पानीपत, ठीक है। तो ये तीन रूलर्स हैं लोदी डायनेस्टी के, और कुल मिला के इतनी ही बातें आपको अपने जहन में रखनी है ना, अपने एग्जामिनेशन पर्पज से, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.